नगर परिषद कांटी के दिल्ली पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि डीडीसी मुजफ्फरपुर आशुतोष द्विवेदी, नगर परिषद कांटी कार्यपालक पदाधिकारी जयराम प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम कर अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए डीडीसी मुजफ्फरपुर ने कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित एवं सांस्कृतिक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवारों के लिए बढ़ाने के साथ साथ उनकी युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक एवं सकारात्मक मार्ग दर्शन की आवश्यकता है। कार्यक्रमों से छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारना आसान होता है। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें महाशिवरात्रि के भजन एवं छात्रों ने अपना प्रतिभा दिखाया। वहीं कई छात्रों ने कव्वाली प्रस्तुत की तो एक अलग ही उत्साह नजर आया। इस दौरान कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यालय के निदेशक अजय गुप्ता ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान आरएस पराशर, आरती ठाकुर, विश्वनाथ प्रसाद, लक्ष्मी नारायण उपाध्याय इत्यादि लोग उपस्थित थे। प्यारे प्यारे बच्चों और इस स्कूल के शिक्षक जिन्होंने तमाम मेहनत करके इस कार्यक्रम को आयोजित कराया, मैं चाहूंगा कि उन बच्चों और टीचर्स के लिए एक बार तालियां हो जाए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बच्चों के इतने कठिन डांस मूव्स और इसके आगे भी जो कार्यक्रम होंगे, निश्चित रूप से उनको सिखाना कोई आसान बात नहीं है। और ये छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, ये बताता है कि आगे भी जा करके ये उतने ही सिंसियरली अपने बाकी चीज़ों को भी करेंगे और न सिर्फ अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। प्यारे बच्चों, वैसे एनुअल फंक्शन जो है फन और मज़े के लिए होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा भाषण देकर आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और जल्द ही हम लोग फिर से ये अच्छी अच्छी चीज़ों में लौटेंगे। पर कई बार मुझे ये लगता है, मैं कई बार जब बच्चों के पास जाता हूँ, खास करके जहाँ पर उनके पेरेंट्स भी रहते हैं, तो बच्चों से ज़्यादा मैं उनके पेरेंट्स से बात करने की इच्छा रखता हूँ कि हम लोग किस प्रकार से अपने बच्चों को बनाएं कि वो आगे जा करके इस समाज के लिए महत्वपूर्ण धरोहर बन सके। तो उसमें कई चीज़ें जो मुझे देखने को मिलती, मैं एक और स्कूल में गया हुआ था, वहाँ पर काफ़ी देर से बच्चे खड़े हुए थे, तो मैंने पेरेंट्स से कहा कि आप लोग बैठ जाइए, बच्चों को भी कहा बैठ जाइए, तो एक अभिभावक ने पीछे से कहा कि जब तक बच्चे खड़े हैं तब तक हम लोग कैसे बैठ सकते हैं। उन्होंने बहुत प्रेम से ही वो बात कही होगी निश्चित रूप से, पर मुझे अपना बचपन याद आया कि हम लोग जब छोटे थे तब इसका उल्टा हुआ करता था कि घर में अगर कोई आया है और कोई भी बड़ा जब तक खड़ा है तब तक बच्चे नहीं बैठ सकते थे। आज मुझे लगता है कि हम लोग कई बार, मेरी भी एक छोटी सी बिटिया है, कई बार लगता है कि हम लोग ज़्यादा पैम्परिंग हो गए हैं बच्चों के लिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल कांटी हर साल की भांति इस साल भी अपना तीसरा वार्षिकोत्सव यानी एनुअल फंक्शन मनाया है, और इसमें मुख्य अतिथि हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो डीडीसी सर मुजफ्फरपुर, स्पेशल चीफ गेस्ट रतन पराशर सर, आरती मैम, नगर परिषद एग्जीक्यूटिव अफसर श्री जयराम प्रसाद जी, सब लोग उपस्थित थे। किसी कारण बस डीएसपी सर को आना था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के किसी कारण बस वो नहीं आ पाए, तो सब लोगों ने उपस्थित हुआ आज इस कार्यक्रम में। अब सब लोगों ने एक अच्छा सराहनीय और बच्चों का एक अच्छा जो है उत्साह अपने वक्तव्यों से देने का प्रयास किया, उन्होंने बच्चों के अंदर एक हौसला बढ़ी। हाँ, एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड स्कूल हम पहले से कहते आ रहे हैं, तो बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन इस एनुअल फंक्शन के माध्यम से करते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों ने एक अच्छा सा एक बेहतरीन प्रदर्शन करने का उन्होंने प्रयास किया। वो हमारा पूरे साल चलता है, और जिसका वो परफॉर्मेंस साल के अंत में हम लोग एनुअल फंक्शन के माध्यम से वो पब्लिकली पेरेंट्स को बुला करके उनके सामने ये एनुअल फंक्शन के द्वारा हम लोग प्रदर्शन करते हैं। बच्चों में
हाँ एकदम बिल्कुल। एक्चुअली एक्टिविटी मतलब कि बच्चों के अंदर से हेजिटेशन खत्म हो रहा है। बच्चे के अंदर से हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग ये प्रयास करते हैं। और चूंकि हमारा प्रयास ही है बच्चों में सर्वांगीण विकास, उसका एक माध्यम ये भी है। बच्चों के द्वारा वो तो दिखने को मिला सब लोगों को, बच्चों ने एक अच्छा स्पीच भी दिया, अच्छा डांस भी किया, अच्छा वो अभी पिरामिड वगैरह अच्छा यानी कि आश्चर्यचकित बिल्कुल देना है। हम लोगों ने इस साल से तय किया है कि हमारे स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट उसको अवार्ड देंगे, बेस्ट जो टीचर हैं उनको अवार्ड देंगे, और जो बेस्ट क्लास टीचर हैं उसको भी स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, स्टूडेंट्स ऑफ टीचर, स्टूडेंट ऑफ क्लास टीचर, हम लोगों ने यह देने का प्रयास किया है। डीपीएस लगातार इस तरह के कार्यक्रम कर रही है, क्या शिक्षा का जो स्तर अभी देखी जा रही है, लगातार प्रयास होती है कि शिक्षा में सुधार हो, क्या सोच है डीपीएस की, किस प्रकार? देखिए डीपीएस का सोची जब स्थापना हुई थी उस समय ही हम लोगों ने तय किया था, और डीपीएस के ऊपर से भी गाइडलाइन आया था कि डिफरेंट सभी स्कूलों से डिफरेंट हमारा प्रयास होता है, क्योंकि जब हम अलग नहीं करेंगे तो फिर हमारे यहाँ बच्चे आएंगे क्यों। हाँ इसीलिए एक डिफरेंट कार्यक्रम लेकर के चल रही है, और आने वाले समय में बहुत अच्छा बहुत बड़ा प्लान है, और इससे बच्चों के अंदर एक नई प्रतिभा का माने नई प्रतिभा का जो है हाँ प्रकाश दक्षिण लाइफ, और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।